डियर स्टूडेंट, नीट और जेईई सीरीज में एक प्रॉब्लम जो मेन है वो है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिकली इसको हम ऐसे फील कर सकते हैं कि अगर आप किसी बुक को सेंटर से पकड़ करके रोटेट करें और एक बार कॉर्नर से पकड़ करके रोटेट करें तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया एफेक्ट को फील कर पाएंगे, और जब सेंटर से पकड़ेंगे ये कम होगा, जब कॉर्नर से पकड़ करके आप रोटेट करेंगे तो आप ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि रोटेशनल मोशन में केवल मास ऑफ बुक तो कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग एक्सिस से जब रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनर्शिया एफेक्ट अलग अलग फील हो रहा है, और एग्जाम में इसमें एक प्रॉब्लम बनती है। तो उसी में को डिस्कस करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स याद कर रहे हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें मालूम है कि ये रिप्रेजेंट होता है समेशन MIRI स्क्वायर से। यहाँ M1, M2, MN ये जो पार्टिकल्स हैं एट पोजीशंस R1, R2 एंड RN। R1, R2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी पोजीशन है, और इसको हम I = मास ऑफ बॉडी या सिस्टम के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, के रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसका मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको अलग अलग एक्सिस, क्योंकि ये एक टेंसर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर्स की तरह आप रिजॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो टेंसर क्वांटिटी को हम अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे निकालें, इसके लिए हमारे सिलेबस में दो थ्योरम गिवन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम IP, आई सेंटर ऑफ मास MD स्क्वायर। आपको मालूम है कि आई सेंटर ऑफ मास इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास होता है, और P पैरेलल एक्सिस है, और D सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस है, और M मास ऑफ बॉडी। इसी में एक दूसरी थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होती है, और इस जेड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया इक्वल्स टू सम ऑफ बॉडी इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई और एनी परपेंडिकुलर एक्सिस एक्सिस लाइंग ऑन प्लेन ऑफ लेमिना। तो ये कुछ हमारी बुक में दिए हुए हैं, और हाँ साथ में क्या याद रखना है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मीन स्क्वायर प्लेट रिंग डिस्क एक्सेट्रा, इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस और इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बाई टू। और दूसरी चीज कि इनर्शिया ऑफ एलिमेंट ऑफ रिंग डिस्क I for ring, I equals to mr square, m mass of element and r is the radius of the ring. Similarly for disk, I is equal to mr square by 2, m mass of element. और हमें z axis के about जो inertias हैं ring, disk, rod, square plate वो हमने याद किए हुए हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस जो फोकस कर रहे हैं हम वो नीट और जी एग्जाम में प्रॉब्लम्स किस किस नेचर की होती है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम प्रॉब्लम्स के साथ इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं उसमें मैंने एक स्क्वायर लिया ऑफ लेंथ L और इसके ईच कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, ईच पार्टिकल इज ऑफ मास M, और प्रॉब्लम में गिवन है
inertia about an axis perpendicular to plane and passing through the point mass. और आइडेंटिफाई करना है हमको इनर्शिया ऑफ द कॉन्फिगरेशन अबाउट सेंटर आइडेंटिटी, और ये गिवन है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे वैल्यू ऑफ आई। जैसे हम इस आई की वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो आई इक्वल्स टू n into 0 square, n into l square, diagonal length root 2l square plus point mass m and it is distance l. So I value is ml square to ml square and ml square mean 4ml square. ये वैल्यू गिवन, तो हमने उसको किसमें ट्रांसफिल कर दिया, ml टर्म्स में। अब अगर हम यहां से निकालेंगे तो i डैश, और इससे इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट्स, और अगर ध्यान दो तो डायगोनल कितना है हमारा root 2l, और उसका हाफ डिस्टेंस कितना हुआ l by root 2। तो इस पॉइंट मास का इनर्शिया m into l by root 2 स्क्वायर, लेकिन ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, नेट वैल्यू क्या आ जाएगी into 4, यानी कि m l स्क्वायर by 2 into 4, यानी कि 2 m l स्क्वायर। लेकिन अभी हमने प्रूफ करा ml स्क्वायर इक्वल्स टू i by 4, और ये है 2 ml स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम i by 2। तो एक i हमें गिवन होता है और दूसरे के अबाउट हमें इनर्शिया निकालते हैं निकालना होता है। कुछ प्रॉब्लम इस ढंग से हमारे एग्जाम में बनती है। एक दूसरी प्रॉब्लम जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम लूं कि यहां पर ये x एक डिस्टेंसेस हैं और इन पे स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ईच ऑफ मास m रेडियस y, आइडेंटिकल मासेस, और हमको कैलकुलेट करना है इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ओ डैश। तो हमें ये स्पेयर्स सॉलिड स्पेयर हैं, आइडेंटिकल, ईच ऑफ मास एम रेडियस वाई, और इनका सेपरेशन है एक्स, और इनर्शिया आइडेंटिफाई करना है अबाउट ओ ओ डैश। तो इसमें जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये तो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। कौन कौन से सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, टू एंड फोर, टू एंड फोर किसके अबाउट रोटेट हो रहे हैं, अबाउट देयर सेंटर, और सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमें रिलेशन याद है कि ये होता है 2 बाई 5 एम रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस कितना गिवन है y, तो ये तो इनर्शिया हो गया 2 एंड 4 के लिए। लेकिन 1 एंड 3 ये अगर अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करते तो होता सेम 2 बाई 5 एम वाई स्क्वायर, लेकिन ये यहां से कितने डिस्टेंस पे इस एक्सिस से, तो हमने देखा कि ये पूरा डायगोनल रूट टू एक्स, और ये डिस्टेंस हाफ डायगोनल, तो हाफ डायगोनल कितना हो गया एक्स अपॉन रूट टू। क्यों, क्योंकि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालनी है, तो इनका क्या चाहिए हमें, सेपरेशन।
तो अब अगर हम अप्लाई करते हैं तो फॉर 183 आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सेंटर ऑफ मास 2/5 एम वाई स्क्वायर प्लस एन, और सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस एंड स्फीयर इज एक्स बाय रूट 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने इनके इंडिविजुअल निकाल लिए, लेकिन हमें तो नेट सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं आई नेट। तो 2 स्फीयर्स का इनर्शिया है 2/5 एम वाई स्क्वायर, और 2 अनदर स्फीयर्स का है 2/5 एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर बाई 2। तो नेट कितना हो गया, 2 2 4 2 2 4 4 4 8 बाई 5 एम वाई स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल एम एक्स स्क्वायर। तो इस ढंग से आप मल्टीपल सिस्टम्स का इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ध्यान रखना है कि सिस्टम कैसे उसके अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर ये रोटेशन की आप इमेजिन बनाएंगे, सूर्य बनाएंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। इसी पे एक प्रॉब्लम और बनती है जो कि हॉलो डिस्क या हॉलो स्फीयर ऐसा कुछ डिजाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक डिस्क एम मास आर रेडियस और इसमें एक होल बना देना रेडियस आर बाई 2, तो होल करने के बाद इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम इनर्शिया कितना होगा। डिस्क इज ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, फाइंड इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट पीपी एक्सिस आफ्टर मेकिंग होल एज शोन इन फिगर। तो इस ढंग की प्रॉब्लम में हम एक अप्रोच रखेंगे कि अगर किसी पॉजिटिव मास की पोजीशन में उसके एंटी पार्टिकल यानी कि नेगेटिव मास को प्लेस कर दे तो वहां पर होल फॉर्म हो जाएगा। कुछ इस ढंग की इमेजिनेशन रखें, ऐसी सोच रखें कि हमारे पास पूरी डिस्क है पॉजिटिव मास की, उसमें हमने एंटी मैटर या नेगेटिव मास प्लेस कर दिया तो इनर्शिया कितना होगा। ऐसे सोचते हुए इस प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम चाहे वो सेंटर ऑफ मास में है चाहे वो हॉलो चार्ज बॉडी में है, जब चार्ज बॉडी होती तो हम एक को पॉजिटिव मान लेंगे एक को नेगेटिव, या मास में हॉलो होल हो तो इनको ऐसे इमेजिन करेंगे हम कि हमारे पास एक डिस्क है कंप्लीट, रेडियस आर मास एम, और एक अनदर डिस्क है ये r by 2 रेडियस की है। लेकिन अगर r रेडियस जिसका एरिया है पाई r स्क्वायर, उसका मास m है तो इसका एरिया है पाई r स्क्वायर by 4, तो ऑटोमेटिकली आप सोच सकते हैं कि इसका मास कितना होगा m by 4। और
इसकी इस एक्सिस से सेपरेशन कितनी होगी? यहां से यहां तक r, फिर प्लस r by 2, यानी कि इसका जो सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस है वो है 3r by 2। अब इंडिविजुअली इनका इनर्शिया निकालना, किसके अबाउट? पीपी एक्सिस के अबाउट। तो डिस्कट लिए हमको याद है कि डायमीटर के अबाउट आई डायमीटर कितना हो जाएगा? आई जेड बाई टू, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू ओवर टू एम आर स्क्वायर बाई फोर। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो अब क्या लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई पी इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम मास है और सेपरेशन कितना है? आर। तो नेट रिजल्ट कितना हो गया? 5/4 एम आर स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करना है। कैसे? कि पहले हम डायमीटर के अबाउट निकालें, तो इसका मास है एम बाई फोर, रेडियस है आर बाई टू, स्क्वायर बाई टू, ये तो हुआ आई जेड, और डायमीटर के अबाउट डिवाइड अनदर डिवाइडेड बाई टू, यानी कि कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर 4 × 4 × 4, ये डायमीटर के अबाउट आ गया। ये तो फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन डायमीटर ऑन प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई। इसी तरह अब हम क्या अप्लाई करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका आईपी कितना हुआ? आर सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर 4 × 4 = 64 प्लस मास एम बाई फोर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मीन 3r/2 स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों रिजल्ट अवेलेबल है, यानी कि अगर हम आई होल ले तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 64 प्लस 9 एम आर स्क्वायर बाई 16 एम आर स्क्वायर प्लस 36 एम आर स्क्वायर, तो 37 एम आर स्क्वायर बाई 64। अब होल, तो जब होल हमने फॉर्म करा तो ये इसको बात कर रहे थे हम एंटी मैटर या नेगेटिव मास, इसको क्या कंसीडर कर रहे थे? नेगेटिव मास। तो नेट सिस्टम में से ये माइनस कर दें तो आई नेट इक्वल्स टू 5/4 एम आर स्क्वायर माइनस 37 एम आर स्क्वायर बाई 64। तो 64 16 जा 80 एम आर स्क्वायर माइनस 37 एम आर स्क्वायर, माइनस किया तो 43 एम आर स्क्वायर बाई 64। ये इस डिस्क है जिसकी यहां पे क्या फॉर्म कर दिया हमने? हो तो इस तरह की प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। तो इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? फर्स्ट कंप्लीट डिस्क का निकाले, फिर हॉलो डिस्क का, लेकिन हॉलो डिस्क का भी इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? सेम एक्सिस के अबाउट, और उसको क्या कंसीडर करना है? इमेजिनेशन में, सोच में वो एंटी मैटर की तरह है तो उसको नेगेटिव मास कंसीडर, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन और ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, गुड लक।